झक्कास न्यूज से मैं रविकांत आज हूँ पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना में कुछ स्टूडेंटों के साथ। अलग है यहाँ का मुद्दा भी अलग है और चुनावी का जहाँ तक बात है तो थोड़ा बहुत सबका अपना राजनीतिक समझ होता है, राजनीतिक विचारधारा होता है, लोग राजनीति में अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग सोचते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह बाहर होता है, क्योंकि यहाँ के अपनी जो मुद्दा है। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, क्या युवाओं का रुझान किधर है? नहीं, अगर आप पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं ये तो सारे आपको न्यूज चैनल बता देंगे कि कौन बन रहे हैं, एक दो को छोड़कर। और रही बात किनको बनना चाहिए, तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था ऑफ कैमरा कि किसी को नहीं कोई तो नहीं। मेरा मतलब है कि जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन का आजकल दौर है तो आप पढ़ते हैं ना कि ए बी सी डी ऑप्शन या कहीं ई ऑप्शन पे होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला सुविधा होना चाहिए। आपका क्या पढ़ाई लिखाई, क्या नाम है? शिवशंकर। कहाँ से है? औरंगाबाद। क्या किस ईयर में? सेकंड। पढ़ाई चल रहा है? फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया। रिजल्ट निकला? लटका निकल गया। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रत्युष ठाकुर हुआ, मेरा घर पूर्णिया है। पूर्णिया। क्या पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है। ईयर ईयर ये सेकंड ईयर सब साथ ही है। सब साथ ही में सब सेकंड ईयर क्या? जी सब सेकंड ईयर है। सारे सेकंड ईयर। आपका क्या है? मेरा नाम अमन है, मैं मधुबनी से हूँ। क्या राजनीति को लेकर कुछ अभी जो चल रहा है न्यूज में, अभी 19 तारीख को पटना में चुनाव होने वाला है या देश में 6 चरण हो चुका है, तो कौन जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, इस प्रकार कुछ आपकी कुछ जो भी राय विचार हो बताएं। देखिए, ये तो रिजल्ट ही बताया कौन जीत रहा है या कौन नहीं जीत रहा है, बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर अभी देखा जाए जो माहौल है उसमें तो मोदी लहर चल रहा है, ये तो देखा जा रहा है, तो हो सकता है मोदी जी आ सकते हैं इस चीज को लेके। और नई आइडिया रहने और देखिए आगे बता। ये सही बोले कि हो सकता है मोदी जी आ सकते हैं, क्योंकि हार जाए तो बाद में पूछेगा ना कि कहा है आपने क्या कहा। डिप्लोमेटिक ये इन्होंने जो कहा वो सही कहा कि अभी तो नमो का लहर चल रहा है और बाकी कोई मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मेरे से तो आप पूछेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी का ही सपोर्ट करूंगा। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं ना मामा से अच्छा काना मामा अच्छा, अर्थात अगर कोई नहीं अच्छा है तो चलो जो अंधा में काना राजा है वही चुन लेते हैं। आपको डॉक्टरी पसंद है कि राजनीति में आना? नहीं, मतलब ऐसा थोड़े है कि डॉक्टर कभी राजनीतिक नहीं हुए हैं। आकाश कुमार जैसवाल, पीएमसीएच से भी अच्छा लगा बात करके। पीएमसीएच से भी बहुत डॉक्टर थे जो लीडर बने हैं और बहुत मतलब फील्ड में आगे करे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर नहीं बन सकता। नहीं बने, बनता है और बनना भी चाहिए, देश के हित के लिए बनना भी चाहिए। क्या पीछे क्यों रहते हैं आप? क्या क्या नाम है? मेरा नाम रोहित हुआ, मैं बोकारो से। क्या अभी क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बस चल रहा है। चल रहा है, अभी तो पूरा क्रिकेट से खेल रहे थे। हाँ, तो जब टाइम मिलता है तो हम लोग खेलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, हमसे तो पढ़ नहीं। बैटिंग अच्छा करते हैं, बॉलिंग निश्चित तरफ से उधर चौका आप ही मारे थे इधर ये कार और किनका लगा हुआ है? उन लोगों का कार और फूट जाएगा तो अपने बॉस कोई कुछ नहीं बोलता है। इधर हॉस्टल वगैरह? हाँ, हॉस्टल है। और ये क्या? ये पैथोलॉजी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। और इधर ये हथवा हुआ डिपार्टमेंट। और यहाँ मरीजों का जो इलाज चलता है वो ठीक से होता है या क्या, ऐसा कुछ बताएंगे यहाँ? देखो, मरीजों का इलाज तो सब जगह जैसे होता है वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दवाई मेडिसिन। जो पेशेंट वगैरह होते हैं कि जो लाइन में लगने के बाद में भी जब अंदर जाके बोलते हैं कि ये मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिलेगा, मान लो दो दो घंटे में, बहुत बुरा लगता है। मेडिकल स्टूडेंट को भी कभी कभी लाइन में लगना पड़ता है, उनको भी दवाई नहीं मिलता, बाहर से दवाई लेना पड़ता है। तो ये सुविधा होनी चाहिए थोड़ा बहुत कि कोई पेशेंट है कम कॉस्ट में, क्या होता है बाहर से लेने पे थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है दवाई, तो जो पेशेंट है जो बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सही बात है, जो गरीब है उनको तो ये मेरे साथ बहुत कम बार देखे हैं। कई बार देखे हैं उधर, तो वैसे एक छोटा सा टेबल है उसके ऊपर मतलब 2-4 10 टाइप का टेबलेट होगा, कोई टेबलेट नहीं होता है। क्या आपका क्या कहना है? अभी लाइन में लगे हैं क्या एक दो घंटे? तो नहीं लगे हम, देखे हैं सिर्फ 4 टैबलेट में से 2 ही मिलता है, वो भी कॉमन जो विटामिन्स का टैबलेट या पैरासिटामोल। आपका क्या कहना है? आगे आ जाइए जी। वही सब जो सब कॉमन दवाई सब होता है ना, सर दर्द खांसी बुखार वही सब का दवाई सब रहता है। आप लोगों को तो मिल जाता होगा?
सारी दवाई नहीं मिलता है वही सब नॉर्मल दवाई सब मिलता है। देखिए कोई प्रेफरेंस नहीं खरीदना रहता सप्लाई नहीं यार सप्लाई नहीं तो आप लोग किन्हीं से कुछ कहते नहीं है जो इसके हेड उड हो उनसे कुछ कहने के। ये बिहार का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है तो यहाँ पे क्या 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 बिहार का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है पहले नंबर का मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे वही पेशेंट आते हैं मैक्सिमम रिपोर्ट केस ही आते हैं ठीक है तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए कि किस दवाई की अवेलेबिलिटी है किस दवाई कैसा स्टूडेंट का पढ़ाई चल रहा है या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन इससे हम लोग थोड़े से अफेक्टेड होते हैं कभी कभी जैसे इन्होंने कहा कि हमें लाइन में लगना पड़ता है तो ये सही बात है। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है हम लोग बोलते हैं हम क्या हमारे पीजी बॉस भी इसके लिए कई बार बोले हैं सीनियर लोग सीनियर पीजी बॉस तो उनके अंडर हम लोग आते हैं तो वो जैसा बोलते हैं हम लोग वैसे ही करते क्योंकि वो हमारे आदर्श है उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी इस फील्ड में और बाकी सारी दुनिया भी बहुत अच्छा है। तो मतलब आप लोगों को बोलने का भी असर वहाँ नहीं होता है? नहीं असर देखिए असर होता है अगर हम लोग कुछ इफेक्टिव वे में कुछ करें ऐसा चीज तब होता है इफेक्ट लेकिन ये चीज सरकार लेवल पे होता है तो कोई मतलब कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से तो बोलता है सरकार का काम है करना हम लोग नहीं इसमें कुछ कर सकते तो फिर हम लोग फिर पीछे हट जाते हैं कुछ कर नहीं सकते हम लोग का पढ़ाई रहती है 4 घंटे ये 8 घंटे पढ़ना रहता है तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते उस चीज को लेकर। और पढ़ाई लिखाई में टीचर हमेशा रहते हैं टीचर मददगार है बहुत बहुत मददगार है यहाँ के। यहाँ और यहाँ का लैब वूब जो प्रैक्टिकल वर्टिकल होता है सब हाँ सब कुछ सही है लैब सब कुछ है वार्ड लगता है सब कुछ आप जाके कर सकते हैं एक मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है डॉक्टर बनने का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे मतलब कि कितना 5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 4.5 साल का हम लोग का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप है मैंडेटरी है वो करना ही पड़ता है तो मीन 5.5 साल लग जाते हैं। आप लोग कौन सी एग्जाम निकाल करके यहाँ आए होंगे? और एक स्टेट के थ्रू भी कोटा रहता होगा वो कोटा रहता है लेकिन नीट यूजी के थ्रू ही वो रिजल्ट बनता है जो मेरिट लिस्ट बनता है वो नीट यूजी के थ्रू ही बनता है। हम तो आए थे चुनाव के इसलिए पूछने उछने के लिए पर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज बताए और चुनाव को लेकर कुछ यहाँ कुछ चर्चाएं चलती है या अच्छा रुकार है बाहर आए थे अशोक राजपूत को मारे तो कहते हैं 2-5 मिनट में ठीक है कि मैन है किसी एक व्यक्ति को मतलब कि देख के ये नहीं करे कि भाई कि एक कि जैसे कि राहुल गांधी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस चीज ये मैन मुद्दा नहीं है। वोट उसको करना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए जो जिसकी विचारधारा आपको अच्छी लगे जिस राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा है उसको फॉलो करके वोट करना चाहिए। आपकी क्या रुचि है इसमें राजनीति पे कि क्या पढ़ाई लिखाई पे? देखिए पॉलिटिक्स से मेरे को शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई गंदा कीचड़ जैसा लगता है। मैं कभी पॉलिटिक्स पसंद नहीं आया क्योंकि हम देखें कि पॉलिटिक्स में जो अच्छा इंसान है जो थोड़ा सा पावरफुल है वो हमेशा नीचे वाले को दबाता है वो मेरे को बिल्कुल अच्छा। किस ईयर में? फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? कोटा से। वाह इधर आओ ये आप लोग सीनियर हुए बॉस है बहुत अच्छा लगा पूरा रिस्पेक्ट करते रहे इस तरह की चीजें यहाँ रैगिंग नहीं होता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है रैगिंग नहीं होता है। तैयार राजनीति को लेकर बोल रहे थे क्या रुचि नहीं है क्या? मेरे को राजनीति में बचपन से इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम देखे हैं बहुत बार कि जो बड़ा आदमी होता है वो छोटे को गिराता है या फिर जहाँ जिसको फायदा मिलता है वो वहाँ चल जाता है ये नहीं देखता कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान को घाटे में रख रहा है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ये कभी वो नहीं देखता कभी नहीं देखता इसीलिए मेरे को पॉलिटिक्स अच्छा नहीं था। हम लोग के कॉलेज में मैंने बहुत जगह देखी है पॉलिटिक्स, खैर उसकी बात नहीं करनी चाहिए पर मैंने देखी है मेरे को वो अच्छी नहीं लगती। बहुत लोग को अच्छी नहीं लगती पर क्या कर सकते हैं बोल नहीं सकते उसके बारे में। सही बात है पर अगर कोई लोग नहीं बोलेंगे तो वहाँ पर जो गंदे लोग हैं वो स्थापित हो जाएंगे इसलिए बोलना जरूरी है। ठीक है मैंने जो एक इंटरव्यू देखा था एक अच्छे व्यक्ति का उसने बोला था कि क्यों हम प्रधानमंत्री क्यों चुने हम विधायक अच्छा चुने ना विधायक अच्छा चुने जो अपना सांसद है वो मेरा बात आगे लेके जाएगा हम प्रधानमंत्री क्यों चुनना जाए प्रधानमंत्री से तो हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर नहीं सकते तो हम विधायक अच्छा चुने जो हमारे हित में काम करे हम वैसा विधायक चुने जो मेरे लिए काम करे जो इन सब चीजों से अलग हो लेकिन हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग प्रधानमंत्री सोचते हैं प्रधानमंत्री क्या कर लेगा हमारी बात ना हो पाएगी उनसे बहुत करेंगे तो ईमेल कर सकते हैं उन्हें तो अब जो गांव जन्म है तो वो ईमेल उमेल तो कर नहीं पाएंगे तो उन्हें जो चाहिए कि हमें जो एक छोटी सी बात है कि हमें विधायक पे ध्यान देना चाहिए। इन्होंने सही कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब विधायक चुनते हैं
तो मुख्यमंत्री सही और विधायक कैसा है ये लोग देख नहीं पाते, उसी प्रकार प्रधानमंत्री कैसे हैं और यहाँ सांसद कैसे हो जाते हैं, चुन के चले जाते हैं गुंडे तस्कर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का इलेक्शन होता है नहीं कि आपको राष्ट्रपति को चुनना है, यहाँ पे विधायक को चुनने की परंपरा है। और जब विधायक चुन के भेज देंगे तो भारतीय संविधान ये कहता है कि आपको प्रधानमंत्री चुनना है, तो फिर हम क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम के इलेक्शन की तरह प्रधानमंत्री चुनने के पीछे पड़े हुए हैं? हमारे यहाँ तो विधायक चुने जाते हैं ना, इंडिया का संविधान कहता है संसद सबसे कि आपको विधायक चुनना, फिर वो सांसद विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनने की जब परंपरा ही नहीं है, जब हमारा संविधान कहता ही नहीं है, तो उस तरह का चुनाव हम क्यों लड़ रहे हैं, हम अमेरिका की नकल क्यों कर रहे हैं? वहां तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति बाकियों को चुनता है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी का अनुकरण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को क्या कहते हैं फोटो में ला रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति विशेष ऐसा भगवान की तरह समदर्शी है कि एक आदमी हर जगह पहुंच सके? नहीं, तो फिर हमें विधायक चुनना चाहिए जो हमें हम तक पहुंच सके और उन विधायकों का एक अच्छा समूह एक अच्छा प्रधानमंत्री चुन सके। आपको मेडिकल लाइन में आने की रुचि कब जागी? मतलब ये कोई बात नहीं कि मेडिकल लाइन में आने की रुचि कब चाहिए, मुझे लगता है आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि आपको शायद राजनीति में होना चाहिए, फिर मैंने आपको उसी समय बोला था एक राजनीति। नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम पूछ रहे हैं कि आपको जैसे मेडिकल लाइन में कई लोग होते हैं, अभी ये भाई किधर गए, अनिल जी इनसे कुछ सीखिए, देखिए ये आपके दोस्त है, ये कहते हैं कि इन्हें हमसे सीखने की जरूरत नहीं है, हम इनसे सीख रहे हैं। हो सकता है अपना अपना इनसे सीखे, ये तो कह रहे हैं कि राजनीति क्या गली का कीड़ा या कुछ बोल रहे थे, ऐसा कीचड़ है, क्या है कीचड़ है, तो कीचड़ हाँ। सबसे बड़ी बात है अपना अपना कंफर्ट होता है, बॉस के हिसाब से वो कीचड़ है। तो अभी तो बोले कि सीनियर से अनुसरण करते हैं, नहीं हम मैंने बोला हम अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं करते। अर्थात क्या नाम हुआ? आकाश। आकाश जी अनुसरण अर्थात जो भी वो अच्छी चीजें करते हैं उनको देखकर मैं वैसा ही अच्छा करने की कोशिश, अनुकरण वो जो करते हैं, अगर हो सकता है वो गलत भी कर रहे हैं, वैसे वो करेंगे नहीं तो उसको भी फॉलो करना, मैं अनुसरण कर रहा हूँ उनका। बहुत अच्छा लगा आकाश जी से बात करके। कहाँ से? छपरा? नहीं, मैं दरभंगा से। दरभंगा से जी। चलिए, इन्होंने कई बातें बताई, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अमेरिका का अनुसरण नहीं और वहाँ राष्ट्रपति जिस प्रकार से चुना जाता है या कहीं और भी, हम उसका नकल नहीं करें, विधायक और सांसद चुने, जैसे कि ये बता रहे थे, कौन बता रहे थे? प्रीतम जी। विधायक और सांसद चुनने के लिए क्या, जैसे कि उस पर कुछ और बोलिए, जैसे ये बोलिए। विधायक और सांसद एक जो बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए एक किसी स्टेट के लिए या किसी जगह के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी बातें समझे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो वहाँ की गरीबी समझे, वहाँ की हालत को समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है किसी और के पैसे में, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो काम करती है वो हमारे पैसे की होती है, तो हमें अपने पैसे का पूरा मूल्यांकन दिखना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे पैसे। जो अभी तक की सरकार की है, जैसे अभी तक बेरोजगारी लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो चुका है जो पहले थी, तो उस हिसाब से विधायक को जो होना चाहिए कि एक वो आदमी की बात समझे, जो उसके पास आए अगर वो उससे मदद मांगना चाह रहा है तो उसकी मदद करने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ कि मेरी मदद, मैं आप मेरे पास आओ मैं कर सकता हूँ, ये होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ बात है, ठीक है, सरकार वहाँ पे बन जाती है उसके बाद लोग वहाँ पे जाने के बाद बदल जाते हैं, तो आप लोग भी अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद नौकरी लगेगी, फिर एक हॉस्पिटल अपना चलाएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, ऐसा हो सकता है ना? देखिए ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि गरीबी को भी देख के सब कुछ हम लोग को सिखाया जाता है। मेडिकल फील्ड ऐसा चीज है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर बस लूट रहा है, डॉक्टर ऐसे चीज पे भी काम करता है जहाँ पे अगर कोई गरीब अगर पेशेंट आता है तो उस लोग हम लोग देखते हैं उसको, सब कुछ करते हैं कि नहीं उसको कम से कम इलाज, कम से कम पैसे में इलाज हो सके, अच्छा उसको ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एक अवधारणा बन गया सोसाइटी में कि नहीं डॉक्टर लूटता ही है, इस चीज से निकलना पड़ेगा। सब गरीब प्राणी हो गया डॉक्टर, क्या हो गया आजकल, डॉक्टर ही निरीह प्राणी हो गया, सॉफ्ट टारगेट हो गया, सब कुछ भी बोला। मैंने एक फेसबुक पे एक रिसेंट में पोस्ट पढ़ा था कि एक लड़के ने लिखा कि कुछ ऐसा सुविधा होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट मर जाए तो हॉस्पिटल को उसके बदले कोई चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो कोई बैठ के अपना बेहतरीन दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई दो मिनट के लिए बताएगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? पहला तो हॉस्पिटल, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे तो स्वतंत्र है, वो कोई नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, आइडियोलॉजी की राय हो सकता है, व्यक्तिगत राय नहीं। मतलब ये अभी नजमा हेपतुल्ला जो अभी क्या कहते हैं वहाँ ये सांसद की स्पीकर थी, वो भी क्या कहते हैं आईएमए में गई थी, क्या कहते हैं अपने सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाने, तो फिर उन्होंने आईएमए के कुछ सदस्यों ने उन्हें बहुत अच्छा
जवाब भी दिया था कि आप लोगों ने मेडिकल फील्ड को इस तरह से डाकू डकैत डॉ से डॉक्टर डॉ से डकैत टाइप का आप लोगों ने जो बना दिया ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो लोग भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि आपसे क्या कहते हैं उनके पास जो पेशेंट आए उनको वो ठीक ना करे, क्योंकि डॉक्टर का जब पहले दिन आया जाता है आपको कुछ पढ़ाया जाए ना जाए। नहीं तो आप लोग से सीधे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग जैसे कि यहाँ से पास होकर जाएंगे MBBS डॉक्टर बन के जाएंगे तो समाज में क्या करना चाहेंगे, कोई बताएंगे सामाजिक रूप से तो यही है बस, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करेंगे, हमारी मेन प्राथमिकता तो यही रहेगी बस, सेवा धर्म। नहीं नहीं वहाँ पैसा मिलने लगेगा तो बदल जाए ऐसा कुछ नहीं, नहीं हमारे हित में जो भी होगा, जो मेरे हित में होगा, जो मैं कर सकता हूँ, मैं एक अच्छे आदमी की तरह मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा देखने में, क्योंकि जो हमारा PMCH है वो हमें नीचे से ऊपर उठाता है, ऊपर से ऊपर नहीं उठाता है, वो हमें दिखाता है कि आप कहाँ पे हो कहाँ जा रहे हो। जैसे आए दिन गवर्नमेंट नई नई बिल पास कर रही है मेडिकल फील्ड को लेके, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ है जब इतने डॉक्टर के लिए मार हो जाती है, जब इतने डॉक्टर मारे जाते हैं, जबकि गलती हमारी क्या रहती है, अब पेशेंट क्रिटिकल है, हम लोग भगवान थोड़ी ना है, भगवान और सही बात बोले कि भगवान पहली बार ये बोलना बंद कीजिए कि आप धरती के भगवान है, हम भगवान नहीं है धरती के, हम एक इंसान है जो कोशिश कर सकते हैं कि कोई बचाने की, ये धरती का भगवान बोल के पहले आप धरती का भगवान बोलते हो, उसके बाद जिस तरह आप भगवान को ना कुछ होने पर गाली देते हो तो भगवान को तो आप धो नहीं सकते हो, हम सामने दिख जाते हैं हमको धो भी देते हो, धोने का भी काम है ये सही बोले। मरीज जब बच नहीं पाता है तो वो डॉक्टरों का जो विनय हो जाता है उसमें, ये गलत है क्या? आप इसके बाद क्या समाज में कहाँ सेवा उवा देंगे डॉक्टर बनने के बाद की पैसा बनाएंगे? नहीं नहीं मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि जैसे कि यहाँ पे ये सरकारी अस्पताल है, जैसे आप भी जानते हैं कि यहाँ पे काफी गरीब लोग आते हैं जिनके पास नहीं कुछ हो पाता है, चाहे बहुत क्रिटिकल हालत में चाहे कुछ भी, तो हमें यहीं से सिखाया जाता है कि किस तरह से पेशेंट के साथ डील करना है, ये हमें नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, चाहे अमीर लोगों को कैसे जज करना है, गरीब लोगों को कैसे जज करना है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि काफी लोग हर तरीके के लोग आते हैं, तो हमें ये अभी से ही शुरू से ही सिखाया जाता है कि किस तरीके से सबके साथ बिहेव करना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब तरीके कैसे ट्रीट करना है। तो कभी भी हमारे मन में ऐसा नहीं आता है कि पैसा कमाना है सिर्फ, या फिर ये प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। नहीं जैसे डॉक्टरी बनने के बाद जैसे कि यहाँ सरकारी डॉक्टर होंगे और उनके साइड से हॉस्पिटल भी होंगे, वो क्लिनिक भी खोले हुए होंगे, तो कई बार शिकायत आता है समाज से ही, शिकायत आता है, आप लोग अपने घर पे जाइएगा पूछिएगा तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये कम काम करते हैं और अपने क्लिनिक में ज्यादा पैसे के लिए अच्छे काम करते हैं, क्या ये इस पे कोई बताना नहीं चाहिए? जी मैं आपसे जवाब देना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि यहाँ पे उनके पास टाइम है, वहाँ पे उनके पास कम टाइम होता है, उनको वहाँ ज्यादा करना पड़ता है, और वहाँ पे उनके पास अपनी खुद की सारी फैसिलिटीज होती है। अब यहाँ पे वो कोई पेशेंट है, वो पहले से लाइन में लगा हुआ है, तो उस चक्कर में उस पेशेंट एक पर्टिकुलर पेशेंट का पूरा काम धीरे धीरे स्लो हो जाता है, तो सब यही बोलने लग जाते हैं कि यहाँ वो कम काम करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक मशीन में एक दिन में 50 पेशेंट आ रहे हैं, तो एक 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 करके सबका होता है, वहाँ पे उनके वहाँ पे है कि थोड़ा जल्दी काम होता है इसलिए वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सब इसलिए ऐसा बोलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो ये हो कि वो वहाँ छोड़ के यहाँ काम करने लग जाए, इसीलिए सब ऐसा बोलते हैं कि वहाँ ज्यादा काम करते हैं। और एक बात और है कि देश में जो पैसे अधिक मतलब बनाने के चक्कर में लग जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो इस धारणा पे हैं कि बाहर, ये सवाल समाज का है, ये सवाल मेरा नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बाहर कोई हॉस्पिटल डॉक्टर खोल रहा है तो ये गलत नहीं है, इसीलिए गलत नहीं है कि मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, आप 8 घंटे काम करने के बाद आप में अगर ज्यादा क्षमता है तो अगर आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठ रहे हैं और कुछ पैसे कमा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो 8 घंटे कई सरकारी डॉक्टर नहीं बैठते जी, अगर वो नहीं बैठते हैं तो वो सरकारी तंत्र की खामी है कि उसको क्या कहते हैं, वो डॉक्टर को नहीं बैठा पा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से टारगेट करना कि डॉक्टर बाहर बैठ रहे हैं, कुछ लोग अमीर हैं वो नहीं आना चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो बाहर पैसे दे के इलाज करा सकते हैं, एक इंजीनियर है वो भी बाहर काम कर सकता है, वो कमा सकता है, और भी प्रोफेशन के लोग काम कर रहे हैं उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अगर बाहर में हॉस्पिटल खोल के बैठा है तो आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, अगर उनका सरकारी में है और वो काम नहीं कर रहा है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। आकाश जी आप एक अच्छे डॉक्टर तो बनेंगे ही, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लग रहा है, पर आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और एक अच्छे भविष्य में नेता भी बनेंगे ऐसा मेरा विश्वास कहता है, और काफी अच्छा लगा इनके बोलने के अंदाज और स्टाइल से। चलिए आप लोग का अच्छा लगा कि आप लोग सेवा भाव से काम करेंगे, आपका क्या है? वो आगे बढ़ते जाना। और आप लोग का क्या है, कहाँ पढ़ते हैं? अरे रुको यार, कहाँ पढ़ते हो? डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, सिग्नरी डॉक्टर नहीं बनना है, बनना है आपका, आ जाओ नहीं बनना है, आ जाओ आ जाओ ठीक है। तो इन्हीं सब कुछ बातों आप लोग खेलने के लिए जाइए, खेलने के लिए जाइए ठीक है, इन्हीं सब कुछ बातों के साथ
इन्हीं सब कुछ बातों के साथ अभी पीएमसीएच पटना पीएमसीएच में थे और फिर आएंगे कई जगहों पे, अभी जाएंगे चुनाव के निमित्त, कई बातें जानने के लिए मिला, कई सेवा भाव भी रखते हैं आजकल के बच्चे पढ़ने के दौरान, और कई अच्छे अच्छे बातें यहाँ पर निकल कर आती है जो पढ़ते हैं या अभी तो खेल रहे हैं, और ये सब सारे चीज करते हुए इतनी चीजों पर सोच विचार करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों पर। अच्छा लगा द झकास न्यूज से, मैं रविकांत, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।